पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग शो यानी कि गुड मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हर रोज की तरह आपको डिटेल्स में खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उनका रुख कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल में और देश भर में क्या कुछ होने वाला है, उन तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। जो सबसे पहली बड़ी खबर है कि आज किन शहरों की लॉटरी खुलेगी। आज होगा स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण के तहत 20 विजेता शहरों का ऐलान। जी हां, आज होगा सिटी योजना के पहले चरण के तहत 20 विजेता शहरों के नामों का ऐलान। दोपहर 3 बजे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू इसका ऐलान करेंगे। इन शहरों को आधारभूत ढांचे जैसे बिजली पानी जैसी सुविधाओं के बेहतरीन प्रबंध के साथ आईटी गवर्नेंस जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने 100 स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की थी और चुने गए शहरों को पहले साल 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद 3 साल तक 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज लाला लाजपत रॉय की 150वीं जयंती है और इस मौके पर डिप्टी सीएम आज उनके पैतृक गांव मोगा जाएंगे। इसके साथ साथ मोगा में कार्यक्रम होने वाला है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और इसके अलावा पंजाब सरकार ने आज सरकारी अवकाश की भी जो है घोषणा की है और पंजाब में सभी सरकारी कार्यालय जो है वो बंद रहने वाले हैं। चलिए तीसरी और आखिरी बड़ी खबर यह है कि आज कौन किस पर भारी पड़ेगा। जी हां, हरियाणा में आज जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजे आएंगे और तमाम तैयारियां कर ली गई है। 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिला परिषद की 414 वार्ड्स के लिए आज काउंटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तफसील से खबरें लेते हैं। पंजाब की सबसे पहले खबरें लेंगे हम। खजूर साहिब उपचुनाव के रण में कांग्रेस नहीं उतरेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के खजूर साहिब उपचुनाव न लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके ऐलान करने के साथ ही कांग्रेस में तकरार दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के नेता जगमीत बराड़ ने पार्टी के इस फैसले को पंजाब की जनता के साथ धोखा बताया है। पंजाब कांग्रेस ने खडूर साहब उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आलाकमान ने उन्हें अधिकृत किया था और पार्टी नेताओं के साथ मशवरे के बाद चुनाव नहीं लड़ने पर सहमति बनी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड सिक्की बट लेफ्ट द फाइनल डिसीजन टू अस टू टेक अ डिसीजन और वो डिसीजन असी ले लेता। सिक्की जी इज नॉट गोइंग टू फाइट, उन्होंने लड़नगे नहीं, उन्होंने असी साड़ी पार्टी ने फैसला किया। कांग्रेस की दलील है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी और कोर्ट का पूरा फायरिंग मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है जिसके लिए खडूर साहिब सीट से इस्तीफा दिया गया था। साथ ही कैप्टन ने कहा कि अकाली दल को इस मुद्दे पर जनता को जवाब देना होगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नंबर 1 है एंड दिस इज 1 सीट, वेदर वी विन इट और लूज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट दिस sacrilegious was taken place and the preeminence of Guru Granth Sahib must be maintained. And if the Akalis don't want to do it, let them explain to the Sikhs why they are not doing it and let them explain. खडूर साहब से कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की ने बेदबी मामले को लेकर विधायक पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस उनके इस्तीफे को जायज ठहराते हुए खुद को खडूर साहब के उपचुनाव से अलग कर रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो कांग्रेस के खजूर साहिब के रण से बाहर होने के फैसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विरोधी पार्टियां कांग्रेस के इस फैसले को उसका खौफ बता रही हैं। कैबिनेट मंत्री चीमा और सांसद सांपला ने जहां इसे कांग्रेस का डर बताया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा ने इसे शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच करार दिया। कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा का यह जवाब कैप्टन के उस तर्क पर है जो उन्होंने खडूर साहब चुनाव न लड़ने के ऐलान के दौरान दिया। कैप्टन का कहना है कि उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब जी का आदर ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो खडूर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे। कांग्रेस के इस तर्क पर विरोधी पार्टियों को इतराज है। उनका कहना है कि अगर ऐसी बात है तो कैप्टन अपनी सीट से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते।
ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਲ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। सत्ता पक्ष इस सब को कांग्रेस का ड्रामा करार दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अकाली और कांग्रेस आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं, और यहाँ भी यही हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। कांग्रेस का ये फैसला सही है या गलत ये तो लोग ही बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह खुद में उलझी कांग्रेस का नामांकन के आखिरी दिन लिया गया यू टर्न का फैसला उसके विरोधियों को निशाना लगाने का मौका जरूर दे गया। मोगा से गगन बाटला और दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो खजूर साहिब उपचुनाव के रण से कांग्रेस बाहर हो गई है, लेकिन खजूर साहिब उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। कुल 10 उम्मीदवारों ने खजूर साहिब उपचुनाव को लेकर पर्चा दाखिल किया है। हालांकि नाम वापस लेने की तारीख 30 जनवरी है, उसके बाद ही खजूर साहिब के रण में उम्मीदवारों की फाइनल तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस के खडूर साहिब उपचुनाव से किनारा करने से अब ये उपचुनाव अकाली दल बनाम आजाद प्रत्याशी ही रह गया है। आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे भाई बलदीप सिंह ने नामजदगी दाखिल करवा कर जीत का दावा किया। भाई बलदीप सिंह को आम आदमी पार्टी के बागी गुट का समर्थन है, और उनकी नामजदगी के मौके पर दोनों MP डॉक्टर धर्मवीर गांधी व हरिंदर खालसा भी उनके साथ मौजूद रहे, और उन्होंने बलदीप सिंह का डट कर समर्थन करने की बात कही। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ 12,000 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੀਏ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਉਤਰੇ ਹੈਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਟਿਕਟ ਦੀਏ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮਾਂਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜੀਤ ਕਾ ਦਾਵਾ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਗ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾ। खडूर साहिब उपचुनाव जिन हालात में हो रहे हैं वो प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। खैर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा मैदान खाली छोड़ने से अकाली दल इस सीट का मुख्य दावेदार जरूर बन गया है। राजन गोसाई, जी मीडिया, खडूर साहिब। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खडूर साहिब उपचुनाव के रण से बाहर हो गई है, लेकिन पंजाब में मिशन 2017 के लिए कमर कस चुकी आम आदमी पार्टी अब डोर टू डोर जाएगी। लोगों को पार्टी से सीधे जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक डोर टू डोर अभियान चलेगा। हालांकि विरोधी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के इस अभियान पर चुटकी ली है। आम आदमी पार्टी खडूर साहब चुनाव से बेशक किनारा कर चुकी है, लेकिन 2017 की विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने डोर टू डोर अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसके तहत लोगों को घर घर जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि पार्टी के इस अभियान में दिल्ली से पार्टी के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। ये पंजाब जोड़ो दा सी नारा दित्ता सी, हुण असी परिवार जोड़ो ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 9-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
आम आदमी पार्टी की नई योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सवाल किया कि चुनाव तो खडूर साहब में है और आम आदमी पार्टी वाले डोर टू डोर प्रचार कहीं और क्यों कर रहे हैं। इन्हें काले है ना जो डोर टू डोर वाले जिथे इलेक्शन है उत्थे तो डोर टू डोर कर लैन, उत्थे कोई पहुंचता नहीं, चोन मैदान च कोई पहुंचता नहीं, तो बाकी अखबारी कागजी कार्रवाइया करी जाते हैं। पहला कितने करना चाहिए है, सही थान से जाके वोटा तो मंगन। माघी मेले में मिले भारी समर्थन की वजह से आम आदमी पार्टी का मनोबल सातवें आसमान पर है और पार्टी अब लोगों के साथ जमीनी स्तर पर भी जुड़कर अपना आधार गांव और शहरों दोनों में और अधिक मजबूत करना चाहती है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। 3 दशक पहले हुए सिख कत्लेआम के पीड़ितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है, पर यह इंतजार लंबा होता जा रहा है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से इस मामले में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अदालत ने केंद्र को 2 सप्ताह में एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किए हैं। ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚ ਲਓ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੁਲਕਾ ਨੇ इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि गुजरात दंगों में एसआईटी की जांच की तर्ज पर ही ये एसआईटी भी काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बड़ा सीरियसली लिया ते नोटिस इशू किया है ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 237 ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं खोलिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 2015 में सिख कत्लेआम की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। 200 से ज्यादा नए मामलों में इस एसआईटी ने 6 महीनों में रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अब तक की जांच की रूपरेखा भी तय ना होने पर सवाल उठने लगे हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा में छोटी चौधर के बाद अब बड़ी चौधर का फैसला होना है। आज पंचायत समिति और जिला परिषद के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा में आज पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए हुई वोटिंग के नतीजे आएंगे। आज साफ हो जाएगा कि गांव की चौधर के बाद बड़ी चौधर पर किसने बाजी मारी है। आज दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में थे और कितनी सीटों पर जंग थी। प्रदेश में 3 चरणों में 21 जिला परिषदों के लिए 416 सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें से 2 जिला परिषदों का चुनाव सर्वसम्मति से हो चुका है। जिला परिषद के 414 वार्डों में 3,263 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला परिषद सदस्यों के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पहले ही चरण में जमा हो गए थे। वहीं 126 पंचायत समितियों के 3,001 सदस्यों में से पंचायत समितियों के 112 सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है, जबकि 3 पदों पर योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। इन वार्डों में 11,239 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी काउंटिंग सेंटरों पर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा में 3 चरण में संपन्न हुए पंचायत चुनाव तक तो सभी सियासी दलों ने सीधे तौर पर अपना वर्चस्व जताने से परहेज किया था, लेकिन आज घोषित होने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ने के आसार हैं। चुनाव परिणाम घोषित होते ही सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा विपक्षी दल इनलो और कांग्रेस में विजय प्रत्याशियों के उनकी पार्टी से संबंधित दिखाने की होड़ मचने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बुजुर्ग जो 62 बसंत देख चुका है आज अपने पैसों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। सेम विंडो तक उसने गुहार लगाई है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए।
62 साल के राजपाल नाम के इस बुजुर्ग को इंसाफ चाहिए। राजपाल थाने से लेकर सीएम विंडो तक गुहार लगा चुका है, लेकिन हमारा सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। दरअसल ये थाने की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसे राजपाल ने किराए पर दिया था, लेकिन खाकी के रखवालों ने पिछले 11 महीनों से किराया ही नहीं दिया, जिसके चलते राजपाल दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। थाने वास्ते बिल्डिंग दी थी 5 साल नु और 6.25 साल हो गए। मेरा 11 महीने का किराया रुकया पड़ा और मैं बार बार चक्कर काटे दफ्तर के, एसी दफ्तर के, कोई सुनवाई नहीं हुई और 4 मैं सीएम विंडो पर एप्लीकेशन भी लगा दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी मुख्यमंत्री भी असमर्थ है इस काम में, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा और मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, बच्चों की फीस भी नहीं दी गई, खर्चे से भी तंग हूँ। राजपाल ने साल 2009 से थाना जठलाना के लिए अपना भवन किराए पर दिया था। शुरुआत में इसका किराया 12,200 रुपए तय हुआ था, लेकिन साल 2014 में एग्रीमेंट के हिसाब से इसका किराया बढ़कर 15,250 हो गया, लेकिन पिछले 11 महीने से राजपाल को किराए के नाम पर कुछ नहीं मिला। थाने पर कुल मिलाकर 1,67,000 रुपए बकाया है। राजपाल बताते हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी अपमानित तक करते हैं। मैं हेड क्लर्क के पास जाता हूँ, अरकेश भारद्वाज, मेरे को बार बार परेशान कर रहा है। 62 साल की मेरी उम्र है, बूढ़ा आदमी मैं, तीसरी मंजिल पर चढ़ना बार बार और मेरा बेवकूफ बना रखा उसने, बल्कि ये कहा भी तुम क्यों दी थाने वाला को बिल्डिंग। हालांकि अब थाना प्रभारी ऋषि कुमार कह रहे हैं कि किराए के लिए जिला कार्यालय में लिखा गया है। उन्होंने राज्यपाल के अपमानित करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पेमेंट के लिए लिखा गया है, जैसे ही बिल ड्रा हो जाएगा उसकी इनको तकसीम कर दी जाएगी। कब से बैलेंस अंक, कितने महीने का बैलेंस है? करीब 11 माह का है जी। इनका कहना है कि हरासमेंट किया जाता है बार बार, जैसे अधिकारियों के पास जाते हैं। हमारे तरफ से कोई हरासमेंट नहीं है। ठीक है, आपने लिखित में भेज दिया? लिख के भेजा। एक 62 साल का बुजुर्ग अपने पैसों के लिए सिस्टम से लड़ रहा है, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, सीएम विंडो में गुहार लगा चुका है, लेकिन अफसोस कि न्याय कहीं से नहीं मिला। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। इन दिनों महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी एक ऐसा ही मंदिर है जहां पर महिलाओं को प्रवेश करने के लिए नो एंट्री है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इस मंदिर के बाहर लगे इन बोर्ड्स पर साफ साफ लिखा है, इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री वर्जित है, यानी कार्तिक महाराज के इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे सालों पुरानी एक मान्यता जुड़ी हुई है, मान्यता शिव पुत्र कार्तिक को लेकर ही है। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती ने शर्त रख दी दोनों भाइयों में, जो ब्रह्मांड की त्रिलोकी की परिक्रमा करके पहले आएगा उनको राजगद्दी मिल जाएगी। गणेश जी को माता ने रोक दिया कि अगर आप गए तो आपकी चूहे की सवारी आप हार जाओगे। उन्होंने माता पिता देवी देवताओं की वहीं परिक्रमा कर ली, उनको राजगद्दी मिल गई, प्रथम पूजा का अधिकार मिल गया। जब भगवान कार्तिक जी त्रिलोकी की परिक्रमा करके आए तब तक सारा काम समाप्त हो गया। तो भगवान कार्तिक जी को माता पे क्रोध आया कि माता आपने मेरे को धोखा दिया है, सिर से बाल पकड़े, शरीर का जो खाल मास था वो सारा उतार के अपनी माता पार्वती के चरणों में रख दिया कि माता जो मैंने आपका दूध पिया है उससे मेरा खाल मास बना है और ये संभालो। श्राप दे दिया कि जो भी संसार की स्त्री इस रूप में मेरा दर्शन करेगी वो 7 जन्म के लिए भी दुबारेगी। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी शादीशुदा महिला प्रवेश करती है वो विधवा हो जाती है। मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि करीब 40 साल पहले एक महिला ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद विधवा हो गई और यही वजह है कि इस मंदिर में महिला या फिर लड़की किसी को भी एंट्री नहीं करने दी जाती। लेडीज हो, वो लड़की हो, बच्ची हो, चाहे एक दिन की है चाहे वो 100 साल की है, लेडीज को जाने ही नहीं देते। जैसी मान्यता चली आ रही उसके ऊपर चल रहे हैं। हालांकि समाज सेवा से जुड़े संगठनों ने इस प्रतिबंध का विरोध किया है। समाज सेविका बिमला सरो ने इसे अंधविश्वास बताया है। जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने लेवल पे बात कहती हूं कि महिलाओं का कहीं भी किसी भी जगह जाना निषेध नहीं होना चाहिए,
क्योंकि एक तरफ तो हम आज 21वीं सदी में काम कर रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह के अगर दक्षिणसी और अंधविश्वास में रहेंगे तो हम कभी भी इन चीजों को संपूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन चीजों को खत्म करना चाहिए। महिला के हक के लिए लड़ने वाले सामाजिक संगठन चाहते हैं कि राज्य सरकार खुद इस मामले में दखल दे ताकि कुरुक्षेत्र के इस मंदिर में महिलाओं को भी एंट्री मिल सके। राकेश रोहेला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। चलिए बात अच्छी खबर की करते हैं। पब्लिक में पुलिस की इमेज अच्छी मानी नहीं जाती है, खाकी पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन फरीदाबाद में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो कम ही देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट देखिए। चमकता कमरा, बेहतरीन बिस्तर, शानदार रजाई गद्दे और मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी का इंतजाम, ये तस्वीरें फरीदाबाद की है जहां खाकी का एक नया चेहरा देखने को मिला है। सुरक्षा, सेवा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। थाना छायसा पुलिस ने ओल्ड एज होम की शुरुआत की है। इस वृद्धाश्रम में उन बुजुर्गों को रखा जाएगा जो अपने बच्चों की दुत्कार के बाद किसी सहारे की तलाश में होते हैं। तो यहाँ पर एक जगह थी और गाँव के एरिया में जो लोग जो बच्चे अपने माँ बाप को अबंडन कर देते थे, छोड़ देते थे, तो हमारे एसपी साहब के दिमाग में विचार आया भी उन लोगों को आश्रय दिया जाए। तो यहाँ के लोगों से संपर्क करके तो यहाँ हमने भवन का इसका निर्माण पहले से था, इसको ठीक ठाक करवा के तो उनके रहने की व्यवस्था यहाँ की है। इस वृद्धाश्रम को तैयार करने में 2 लाख रुपए की लागत आई है। फिलहाल पुलिस ने इस वृद्धाश्रम में 6 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। इन लोगों के खाने पीने का सारा खर्च पुलिस उठाएगी। अभी यहाँ 6 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है और एक तो बुजुर्ग अभी आ भी गया है, उसका खाने पीने का भी और रहने का और यहाँ पर जो उनका मनोरंजन का है वो सब साधन हमने यहाँ पर मुहैया करवाए हैं। आश्रम में एक बुजुर्ग शिवराज सिंह रहने के लिए आ गए हैं। शिवराज सिंह को उनके बच्चों ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब इस मामले की शिकायत उन्होंने थाने में दी तो ऐसी कई शिकायत मिलने के बाद थाना परिसर में ही वृद्धाश्रम बनाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने शिवराज सिंह को यहां आकर रहने के लिए कहा। देखो जी, ये क्या नाम है, क्या नाम था, एसएचओ साहब, उन्होंने कहा था। अच्छा, उन्होंने कहा था कल से तेरे को वहां पहुंचा देंगे मंदिर में। अच्छा, बच्चों ने छोड़ दिया है आपको, अब आप यहीं रहोगे? बिल्कुल रहूंगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को रोटी देने वाला नहीं, कोई खाने वाला नहीं, कोई कपड़ा ढोने वाला नहीं। मैं कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ नए वृद्धाश्रम? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को सुरक्षा मिल गया। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का ये पहला वृद्धाश्रम है जिसे थाना परिसर में बनाया गया है। फरीदाबाद पुलिस की एक शानदार पहल है जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी आत्ममंथन करना होगा जो उम्र के इस पड़ाव में अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। अच्छी खबर के बाद अब आपको आज की काम की खबर बताते हैं। रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल करना किसी मुसीबत से कम नहीं लगता, तो अब राहत की खबर यह है कि यात्री 139 नंबर पर कॉल करके भी रिजर्व ट्रेन टिकट कैंसिल करवा सकेंगे। ये सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। जरा सोचिए, आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं और अचानक आपके जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, फिर आप सोच में पड़ जाते हैं रेल टिकट कैसे कैंसिल होगा। टिकटों की लंबी लाइन सोचकर ही आप परेशान हो जाते हैं, तो अब आपके लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इंक्वायरी नंबर सेवा 139 पर फोन कर आप अपने रिजर्व टिकट को भी कैंसिल करा सकेंगे। ये सेवा जल्द ही रेलवे शुरू कर सकता है। शुरुआत में इसे ट्रायल के रूप में अपनाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत यात्री अपना टिकट निरस्त कराने के बाद अगले 24 घंटे में किसी भी स्टेशन पर टिकट दिखाकर उसका रिफंड ले सकेंगे। रेलवे की 139 सेवा आम यात्रियों में खासी लोकप्रिय है। अभी सेवा से यात्रियों को PNR, ट्रेनों में सीट उपलब्धता, आगमन प्रस्थान, किराया संबंधित जानकारी यात्रियों को आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा SMS से टिकट की जानकारी के साथ साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड से टिकट बुक करने
और उसे ईमेल से प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इन्हीं तमाम सुविधाओं में अब रेलवे रिजर्व टिकट कैंसिल कराने की सुविधा भी शामिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए मौसम की बात करते हैं। फिलहाल अभी सर्दी से राहत मिलती दिख नहीं रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड का असर जो है लगातार जारी है। आज पहाड़ों में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश के आसार है, लेकिन मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर कोहरे का कहर लगातार जारी है। और मौसम पर ज्यादा जानकारी के लिए अमृतसर से हमारे साथ मेरे सहयोगी राजन गोसाई जुड़ रहे हैं। राजन, किस तरह का मौसम आज वहां पर है, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का रह सकता है? जी मोनिका, उत्तर भारत में जो ठंड का जो कहर बर्फ है उससे मैदानी इलाकों में भी काफी ज्यादा शीतलहर चल रही है। और अगर शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में कोहरा कम दिख रहा है, लेकिन जो हाईवे है या ग्रामीण इलाके हैं, खुले इलाके, वहां पर कोहरा काफी ज्यादा दिखाई देता है और करीब 5 मीटर की दूरी से भी देखना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। और इस ठंड के कारण आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग जो है सुबह जो पहले उठ के जल्दी सैर को जाते थे, वहां जो बाग हैं या पार्क हैं वहां पर भी लोगों की गिनती जो है काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि शीतलहर के कारण काफी लोग जो है काफी परेशान है। और अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की और छोटे बच्चों की तो वो भी स्कूल जो है हाजिरी जो है काफी कम हो रही है, क्योंकि ठंड के कारण बच्चे भी जो है उठ नहीं पा रहे और बुजुर्ग जो है उनका भी काफी बुरा हाल है, क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, इससे बुजुर्गों को काफी सांस लेने की जो बीमारियां होती है उससे काफी त्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आम लोगों की तो आम लोग जो है ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं, आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक आदि पर अपने कामकाज पे जाते हैं वो लोग भी गर्म कपड़े, शॉल्स वगैरह लेकर ही काम पर निकलते हैं, ताकि ठंड के कारण वो कभी कहीं बीमार ना हो जाए। जी बिल्कुल राजन, जरा तस्वीरों के जरिए हम देखना चाहेंगे फिलहाल किस तरह का मौसम हो रहा है। आपके पीछे भी दिख रहा है कि घने कोहरे की जो चादर है वो वहां पर अभी दिख रही है। फिलहाल अगर आप तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह का मौसम वहां पर हो रहा है। जी मोनिका, यहाँ पर जो है मौसम काफी साफ है। अगर आप कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो दिखाए कि मौसम किस तरह का, शहर में जो है मौसम जो है काफी साफ है और यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर जो है काफी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जो है और जो खुले इलाके हैं या हाईवे है वहां पर कोहरा काफी ज्यादा होता है, लेकिन शहरी इलाके जो है खासतौर पर अगर अमृतसर की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम अभी फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है। जी जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैदानी इलाकों में घना कोहरा कहीं ना कहीं दिख रहा है, शहरी इलाकों में कम दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो कोहरा है वो ज्यादा दिख रहा है। अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर आज बर्फबारी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए राजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।